शिवसेना के उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत इनका आज नागपुर के हवाई अड्डे पर आगमन हुआ है। विदर्भ के दौरे पर आए उदय सावंत इन्होंने नारायण राणे को आड़े हाथ लिया। इस मौके पर दर्जनों शिव सैनिक मौजूद थे। आज दिन शिवसेना अध्यक्ष और नारायण राणे इनके बीच घमासान शुरू है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर शाब्दिक तीर चला रहे हैं। आज नागपुर एयरपोर्ट पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत इनका आगमन हुआ। आगमन होते ही एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उदय सावंत इन्होंने नारायण राणे की टीका टिप्पणी को लेकर जमकर आड़े हाथ लेते हुए राणे को खरी खोटी सुनाई। नारायण राणे चाहे लाख मर्तबा बेतों की बातें करें, लेकिन इसका कोई भी असर शिवसेना पर कतई नहीं पड़ सकता है। ऐसी जानकारी देते हुए विदर्भ का दौरा कर यहाँ की शिवसेना की ताकत और अधिक बढ़ाने के लिए उदय सावंत प्रयासरत दिखे। इस मौके पर बीसीएन समक्ष उदय सावंत इन्होंने जानकारी दी। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रा ही महाराष्ट्रामध्ये चार कॅबिनेट मंत्र्यांची सुरू झालेली होती। या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये जी गाजलेली जन आशीर्वाद यात्रा आहे ती आमच्या कोकणातली आहे, आणि ती कशामुळे गाजली हे आपण 5-6 दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे। आम्ही जरी मंत्री असलो तरी शिवसैनिक म्हणून काम करतो, शिवसेनेचे मंत्री म्हणून काम करत असताना आमचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे। ते आमच्या दैवता समान आहेत आणि त्यांच्यावर बोलल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय उमटते हे सगळ्या महाराष्ट्रानं बघितलेलं आहे। मी काल देखील रात्री 11 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो, मी तिथं देखील असं सांगितलं की जन आशीर्वाद यात्रा करत असताना जनतेचे आशीर्वाद हे चांगल्या कामातनं आपल्याला कसे मिळतील यासाठी जन आशीर्वाद यात्रा असावी असं कदाचित केंद्राच्या नेत्याने त्यांना सांगितलेलं असावं। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रेमधनं उद्धव साहेबांवर टीका झाली, शिवसेनेवर टीका झाली, तरी सुद्धा शिवसेनेला काही फरक पडत नाही आणि शिवसेनेच्या वाढीमध्ये कुठेही कमतरता होणार नाही, शिवसेनेला कोणीही शह देऊ शकत नाही। शिवसेना आहे त्याच्यापेक्षा कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये झपाट्याने वाढेल। राज्य के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य के उदय सामंत हाल ही में नागपुर के इसी हवाई अड्डे पर आए थे और वे आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ विदर्भ का दौरा करने के लिए खास तौर पर नागपुर पहुंचे। नागपुर की परिस्थिति क्या है और जिस प्रकार से राणे वर्सेस उद्धव ठाकरे इनके बीच में जो ठनी हुई है उस विषय को लेकर भी कई बातचीत उन्होंने इस मौके पर की है। नागपुर के एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन माइकल के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज नागपुर।